तो आज हम लोग बात करेंगे हम लीड कैसे प्ले कर सकते हैं प्रोफेशनली गिटार पे। काफी टाइम जो बिगनर्स हो स्ट्रगल करते हैं लीड प्ले करते टाइम, क्योंकि उनका रिस्ट थोड़ा सा स्टिफ रहता है, वो मूव नहीं कर पाते फिंगर्स को। ठीक है, तो मेन है लीड में कि आपका फिंगर्स में स्ट्रेंथ होना चाहिए, आराम से मूव करे थ्रू आउट द फ्रेट्स। तो आज भी हम डिस्कस करेंगे कैसे आप उसको फ्री कर सकते हो अपने रिस्ट को, फिंगर्स को, जो प्रॉब्लम आता है आपको, आप कैसे उसको ओवरकम कर सकते हो, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे आज के लेसन में। तो आप आज का लेसन फॉलो कीजिए और देखिए आप कितने आराम से लीड प्ले कर पाते हो गिटार पे कुछ ही महीनों में। एक मंथ इसको आराम से प्रैक्टिस करो, देखना आपका कितना इंप्रूव होता है। ठीक है, तो अगर ये लेसन आपको हेल्प कर रहा है जरूर इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, क्योंकि आपके लाइक से मुझे पता चलता है मैं आपको कितना हेल्प कर पा रहा हूँ। तो चलिए आज का लेसन अभी स्टार्ट करते हैं। तो आइए चलिए अभी पहला लेसन स्टार्ट करते हैं। पहला एक्सरसाइज जो है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको मैंने पहले भी बताया हुआ अपने दूसरे लेसन में, फिर भी मैं आपको आज फिर से इसको बता रहा हूँ। अभी क्या करेंगे हम लोग, एक फिंगर रखेंगे एक फ्रेट पे। ठीक है, ये आपका फर्स्ट स्ट्रिंग है, वहीं से हम स्टार्ट करेंगे, जो बिगनर से काफ़ी इजी रहेगा उनको स्टार्ट करने के लिए। जो आपका पहला फ्रेट है उस पर हम लोग प्रेस करेंगे इंडेक्स फिंगर से। ठीक है, अब क्या करेंगे, मिडिल फिंगर उसको ले आएंगे सेकेंड फ्रेट पे, रिंग फिंगर लाएंगे थर्ड फ्रेट पे, एंड जो लिटिल फिंगर है जो कि सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट रहता है बिगनर्स को यूज़ करना, उसको लेंगे फोर्थ फ्रेट पे। अब जितना लिटिल फिंगर को यूज़ करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा प्रैक्टिस के लिए, इसलिए आप लिटिल फिंगर को स्किप मत करना, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम देखा हुआ है जो बिगनर्स है वो क्या करते हैं और लिटिल फिंगर को नहीं लाते, बस यहीं तक प्ले करते हैं। अब ट्राई करना आपका जितना आ सके, सोचो आपका यहाँ तक आ रहा है अभी, कोई बात नहीं इसको लाओ, आपका म्यूट होने दो, कोई बात नहीं, पर आप ट्राई करना जितना आप इसको लेके आओगे आगे उतने आपके लिए अच्छा रहेगा ये प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमने अभी फर्स्ट फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिंग पे प्ले किया, सेकंड फ्रेट थर्ड फोर, क्या हो गया 1 2 3 4। यहाँ पे और ध्यान रखना है, जब फर्स्ट स्ट्रिंग पिक करो उसको अल्टरनेट पिकिंग करना है, डाउन अप डाउन, अब बस डाउन 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 की अप 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 मत करना। ठीक है, जो सेकंड रूल है जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो गलती करते हैं बिगिनर्स वो क्या करते हैं, बस एक ही डाउन डाउन की अप अप में पिक करते हैं, वो नहीं करना। तो दो इंपॉर्टेंट चीज़ें होगी कि आपका लिटिल फिंगर यूज़ करना एंड यहाँ पर अल्टरनेट पिकिंग करना है। ठीक है, तो अभी देखते हैं फिर से इसको आगे कैसे लेके जाएंगे। ये आपका फर्स्ट स्ट्रिंग हो गया 1 2 3 4, और एक ध्यान रखना कि आप जब भी फॉरवर्ड आते हो आपके चारों फिंगर्स फ्रेट्स पे ही रहेंगे, जो प्रीवियस फिंगर्स है उसको उठाना नहीं है। तो जैसे कि आप आगे आते हो फॉरवर्ड आते हो आप क्या करते हो, जो गलती करते हो वो होगा लाइक दिस, आप ऐसे फिंगर्स उठा लेते हो, इससे क्या हो रहा है कि आपका जो प्रेशर बिल्ड नहीं हो पा रहा है फिंगर्स पे। सोचो अभी हम लोग चारों फिंगर्स फ्रेट पे रखेंगे 1 2 3 4, अब देख सकते हो यहाँ पे जो फिंगर्स का जो वेविंग होता है इसमें कितना प्रेशर आ रहा है, कितना स्ट्रेच हो रहा है ये पार्ट। अगर आप ये फिंगर्स उठा दे रहे हो ऐसा करके तो ये क्या हो रहा है, आप ये स्ट्रेच नहीं हो रहा है इतना। तो अब ट्राई करना चारों फिंगर्स को रखना जब फॉरवर्ड आ रहे हो, उससे आपका काफ़ी स्ट्रेचिंग होगा फिंगर्स लाइक दिस। तो ये गलती जो बिगनर्स करते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको नहीं करना है, आपको फिंगर्स को नहीं हटाना है। ठीक है, आप जब फॉरवर्ड आते हो ट्राई करना चारों फिंगर्स रहेगा, ना कि ऐसा ऐसा नहीं करना। अभी क्या करेंगे, यहाँ से बैक जाएंगे 1 2 3 4 आ गया, अब यहाँ से बैक जाएंगे 4 3 2 1। अभी जब हम बैक जाएंगे अभी क्या करेंगे, हम लोग इंडिविजुअल फिंगर रखेंगे, अभी चारों फिंगर्स रखना जरूरत नहीं है, लिटिल रिंग मिडिल इंडेक्स। तो जब फॉरवर्ड आया चारों फिंगर्स रहा 1 2 3 4, जब बैक गए एक ही फिंगर रहेगा 4 3 2 1, और यहाँ पे अल्टरनेट पिकिंग चल रहा है आपका। तो अल्टरनेट पिकिंग का फायदा है कि इसे आप फर्स्ट बजा सकते हो। ठीक है, तो अभी अगर आपका फर्स्ट फोर्थ फ्रेट पे नहीं हो रहा, आप क्या कर सकते हो, इसको सेम चीज को फर्स्ट स्ट्रिंग फिफ्थ फ्रेट से स्टार्ट कर सकते हो, 5 6 7 8। ठीक है, इससे क्या होगा आपका थोड़ा यहाँ पे डिस्टेंस कम जाएगा फ्रेट्स का, आपको ज़्यादा स्ट्रेच करना नहीं पड़ेगा फिंगर्स, और आपके आराम से चारों फिंगर्स आ जाएंगे। मेन आपको लिटिल फिंगर का वर्कआउट कराना है, इसको कभी भी स्किप नहीं करना है। ठीक है, अब इस पे प्रैक्टिस करो थोड़ा, उसके बाद फर्स्ट फ्रेट से ट्राई करना। तो इसको आप कोई भी स्ट्रिंग्स पे कर सकते हो, सोचो अभी हम लोग यहाँ पे थर्ड स्ट्रिंग के फिफ्थ फ्रेट पे। तो और एक चीज का आप ध्यान रख सकते हो, आप जितना भी स्ट्रिंग्स को ऊपर लेके जाओगे, सोचो अभी हम लोग थर्ड स्ट्रिंग बजा रहे हैं, आपका क्या हुआ लिटिल फिंगर रेंज थोड़ा कम जाता है। उसका मेन टेक्निक कि आपको रिस्क को डाउन करना रहता है। ठीक है, ये आपका ऑटोमेटिकली हो जाएगा, आप ट्राई करना कि लिटिल फिंगर का यूज करने के लिए, आप देखना आपका रिस्क अपने आप सेट हो जाएगा। ठीक है, आप ट्राई करना आपका रिस्क कहाँ पे रखने से आपका लिटिल फिंगर थोड़ा सा आराम से पहुंच रहा है फोर्थ फ्रेट पे। ठीक है,
उसी हिसाब से आपका रिस्ट अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। एंड आपको नहीं हो रहा था आप क्या करना है, यहाँ पर रिस्ट पकड़ो ऐसे, इसको थोड़ा डाउन कर लेना ये पार्ट को, ठीक है ऐसा, थोड़ा नीचे ले आना, आपका आराम से हो जाएगा। अब सेम चीज को कहीं भी प्ले कर सकते हो, फर्स्ट स्ट्रिंग हो गया जो मैंने बताया, तीन चीजें ध्यान रखना, फिंगर्स उठाना नहीं है, लिटिल फिंगर का यूज करना है, यहाँ पे अल्टरनेट पिकिंग करना है, ठीक है। सेकंड स्ट्रिंग पे कर सकते हो, थर्ड स्ट्रिंग पे भी कर सकते हैं आप, सिक्स स्ट्रिंग पे भी कर सकते हो। अब ध्यान रखना कि आप पहले फर्स्ट तीनों स्ट्रिंग पे ठीक से प्रैक्टिस करना, उसका ऊपर लेके जाना अपने फिंगर्स को, उससे आपको काफी इजी होगा ऊपर के स्ट्रिंग्स प्ले करने के लिए, ठीक है। ये हो गया पहला एक्सरसाइज, इसको ठीक से प्रैक्टिस करना, आप देखना आपका कितना इंप्रूव होता है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट और क्या एक्सरसाइजेस हम कर सकते हैं। तो आपका सेकंड एक्सरसाइज भी ऑलमोस्ट सेम है फर्स्ट एक्सरसाइज जैसा, बस जो डिफरेंस है वो है कि इसमें आपका रिस्ट मूव होगा फेट्स पे, ठीक है, जो काफी इंपॉर्टेंट रहता है लीड प्ले करते हुए, क्योंकि आप एक ही जगह पे लीड प्ले नहीं करना, आपको आपको पूरा फेट्स पे मूव करना है। एंड जो बिगनर्स रहते हैं उनके लिए डिफिकल्ट रहता है, क्योंकि उनका रिस्ट थोड़ा सा स्टिफ हो जाता है एंड मूव नहीं कर पाते ठीक से। तो आप ये एक्सरसाइज फॉलो करना आपके लिए काफी हेल्प करेगा। ये पूरा सेम है, हम फिर से स्टार्ट करेंगे फर्स्ट स्ट्रिंग फर्स्ट फेट से फॉरवर्ड जाएंगे, पर अभी क्या करेंगे, फोर काउंट्स के बाद एक एक फेट ऊपर लेके आएंगे सबको, ठीक है। सोचिए हम लोग फॉरवर्ड गए यहाँ पे 1 2 3 4, अभी यहाँ से बैक आना है, पर बैक आते आने से पहले आपको एक फेट ऊपर आ जाना है, लाइक 5 पे आ जाना है, 5 4 3 2 बैक आना है, लाइक फॉरवर्ड गए 1 2 3 4, बैक आए 5 4 3 2। सेम यहाँ पे बैक आने के बाद फोर यहाँ पे काउंट हुआ, 1 2 3 4 यहाँ पे एंड हुआ, वापस इसको ऊपर लेके आ जाएंगे एक फेट, यहाँ से आके फिर से फॉरवर्ड जाएंगे, खत्म, फिर से ऊपर लेके बैक जाएंगे। ट्वेल्थ तक आएंगे, ट्वेल्थ पे आने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे ट्वेल्थ पे आए, यहाँ से अभी बैक लेके जाएंगे सबको एक एक फिट फोर काउंट्स के बाद, ठीक है। यहाँ पे ट्वेल्थ पे आ गए, बैक बैक बैक, काफी इजी है, अब इसको पूरा आराम से प्रैक्टिस करना आपके लिए काफी हेल्प करेगा ये मूवमेंट में, ठीक है। तो एक फ्लो में ये पार्ट एक बार देख लेते कैसे आपको सुनाई देगा ये। तो इसको पूरा स्लोली प्रैक्टिस करना आपका आराम से हो जाएगा। तो आप ये एक्सरसाइज कहीं पे भी प्ले कर सकते हो, सेकंड स्ट्रिंग पे भी सेम ही रहेगा। ठीक है, थर्ड पे फोर्थ पे कहीं पे भी आप कर सकते हो, फिफ्थ पे भी। तो इतना मैं डिटेल में बता रहा हूं क्योंकि काफी लंबा हो जाएगा। तो बस आपको ध्यान रखना है कि आपको फोर काउंट्स के बाद फॉरवर्ड आना है, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, कहाँ तक आना, 12 फीट तक आना है, ठीक है। और यहाँ से फिर से बैक जाएंगे फोर काउंट्स के बाद एक एक फीट, ठीक है, फॉरवर्ड आए, ठीक है। इसको आराम से स्लोली प्रैक्टिस करना, ट्राई करना, पहले जो बिगनर्स है फर्स्ट सेकंड थर्ड स्ट्रिंग्स पे करना इसको, उसका धीरे धीरे 4 5 6 पे भी इसको आप प्ले कर सकते हो। तो ये हो गया आपका सेकंड एक्सरसाइज, अभी थर्ड एक्सरसाइज देखते हैं, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आपका थर्ड एक्सरसाइज भी ऑलमोस्ट सेम है सेकंड एक्सरसाइज जैसा, पर अभी हम लोग इसमें मल्टी स्ट्रिंग्स यूज करेंगे। अभी हम लोग ट्राई करेंगे सेकंड एंड फर्स्ट को एक साथ प्ले करने के लिए, लाइक दिस। फॉरवर्ड आए सेकंड स्ट्रिंग पे अभी, और बैक नहीं आके फिर से फॉरवर्ड आएंगे फर्स्ट स्ट्रिंग पे, लाइक दिस, ठीक है, काफी इजी है। अभी जब बैक आएंगे इसको एक फ्रेट ऊपर ले आएंगे, सेम जैसे पहले किए थे, यहां से बैक जाएंगे भी। तो ऑल टुगेदर कैसा हो गया ये सेकंड स्ट्रिंग से, सेम यहां पे खत्म हो रहा है फोर के बाद, फिर से इसको आगे लेके फॉरवर्ड जाएंगे, ठीक है। आपको 12 फिट यहाँ पे लेके जाना है, मैं इतना डिटेल में बताने रहा हूँ, काफी लंबा हो जाएगा लेसन। यहाँ से वापस बैक लेके आना है, इसको स्लोली प्रैक्टिस करना। तो दो स्ट्रिंग्स करने के बाद अभी हम लोग इसमें थर्ड स्ट्रिंग भी ऐड करेंगे, थर्ड से स्टार्ट करेंगे, सेम चीज आपको आइडिया आ गया होगा। अभी फॉरवर्ड आएंगे बैक देंगे, आप ट्राई करना इसको फ्लो में करने का, कहीं पे इसको अटक अटक के नहीं करना, लाइक ऐसा नहीं करना, पूरा स्लो प्ले करना है, इसको फ्लो में करना कहीं पे बिना रुके हुए।
ठीक है। और एक ध्यान रखना, आप जब चेंज कर रहे हो स्ट्रिंग्स तो आप यहाँ पे राइट हैंड को देखना नहीं, आप बिना देखे हुए स्ट्रिंग्स को चेंज करना आपके लिए काफी इजी रहेगा, जो कि मैं अभी नेक्स्ट लेसन में बताऊंगा कैसे आप स्ट्रिंग्स का एफिशिएंसी बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो अब इसको प्रैक्टिस करो, आप थर्ड होने के बाद फोर्थ भी चारों स्ट्रिंग्स पे कर सकते हो। सिक्स से भी कर सकते हो, ठीक है। आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करना, धीरे धीरे इसको सिक्स से लेके आप आराम से कर सकते हो। तो अब देखते हैं फोर्थ एक्सरसाइज कौन सा है। तो आपका फोर्थ एक्सरसाइज भी ऑलमोस्ट सेम है थर्ड के जैसा, पर इसमें जो हम लोग चेंज करेंगे वो होगा एक स्ट्रिंग को हम स्किप करेंगे, इसको स्ट्रिंग स्किपिंग बोलते हैं। सोचिए हमने अभी स्टार्ट किया थर्ड से, सेकंड को स्किप करके डायरेक्ट फर्स्ट पे आ जाएंगे, ठीक है, लाइक दिस। तो अब इसको स्किप करना बिना देखे हुए यहाँ पे राइट हैंड को, ट्राई करना बिना देखे हुए आप थर्ड से फर्स्ट पे आने के लिए। आपका पहले पहले गलती होगा, आप सेकंड पे आ जाओगे, ठीक है, आप यहाँ पे सेकंड प्ले कर लोगे। थोड़ा पूरा स्लो प्रैक्टिस करना, अब विजुअलाइज करना आपका फर्स्ट स्ट्रिंग कहाँ पे, थर्ड स्ट्रिंग कहाँ पे, बिना देखे हुए, ठीक है। आप उससे आपका काफी इजी होगा चेंज करने में, पूरा स्लो प्रैक्टिस करना फर्स्ट, ठीक है। अभी क्या करेंगे, अगर आपका अभी फॉरवर्ड नहीं आ रहा, आप इसको एक ही पोजिशन में पहले प्रैक्टिस करो। सोचो फाइव पे, फिफ्थ फ्रेट पे करेंगे जैसे पहले किया था हमने, इसको थोड़ा एक फ्लो में आने के बाद आप सेम पैटर्न यूज करना जैसे हमने थर्ड में किया था, आगे लेके आएंगे पर एक स्ट्रिंग को स्किप करके, लाइक दिस। सेम आप में बैक भी जाना, आराम से इसको प्रैक्टिस करना, आपका आराम से हो जाएगा, ठीक है। सेम आप यहाँ पे फोर एंड थ्री में, फोर एंड टू में भी कर सकते हो, ठीक। तो इसमें आप कोई भी स्ट्रिंग्स का कॉम्बिनेशन ले सकते हो अपने कंफर्ट के हिसाब से। थ्री एंड वन सबसे इजी होगा, उसका फोर टू लेना, देन फाइव थ्री, सिक्स फोर, कोई भी आप ले सकते हो, ठीक। ये हो गया फोर्थ एक्सरसाइज। अभी लास्ट देखेंगे, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, जिससे आपका मसल मेमोरी बढ़ता है फिंगर्स का। तो अभी देख लेते हैं फिफ्थ एक्सरसाइज कौन सा है। तो अभी जो फिफ्थ एक्सरसाइज है काफी इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग बोलेंगे मसल मेमोरी एक्सरसाइज फिंगर का। मसल मेमोरी क्या होता है, आप अभी जो कुछ बजा रहे हो वो सोच के बजा रहे हो, तो एक टाइम आएगा कि आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आपका फिंगर्स अपने आप अपनी पोजीशन में चला जाएगा, इसको बोलते हैं मसल मेमोरी। तो उसको प्रैक्टिस करने का सबसे बेस्ट वे कि मैं आपको एक बताता हूँ पैटर्न, उसको प्रैक्टिस करो। हम लोग स्टार्ट करेंगे अभी सेकेंड स्ट्रिंग से, जैसे फॉरवर्ड आए थे वैसे जाएंगे। अभी क्या करेंगे, यहाँ पे बजाय सोचिए हम लोग सेकेंड स्ट्रिंग पे वन टू थ्री फोर, बजाने के बाद फर्स्ट स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट प्ले करेंगे, वापस सेकंड स्ट्रिंग पे टू थ्री फोर, समझ में आया। फर्स्ट सेकंड स्ट्रिंग पे आ गया वन टू थ्री फोर, देन नेक्स्ट पार्ट आएगा फर्स्ट स्ट्रिंग पे फर्स्ट, देन वापस सेकंड स्ट्रिंग पे टू थ्री फोर, देन आएगा फर्स्ट स्ट्रिंग पे वन टू, सेकंड स्ट्रिंग पे थ्री फोर, देन फर्स्ट स्ट्रिंग पे वन टू थ्री, सेकंड स्ट्रिंग पे फोर, देन फर्स्ट स्ट्रिंग पे वन टू थ्री फोर। इन सब के बीच में आपको फिंगर्स हटाना नहीं है, जब फॉरवर्ड जा रहे हो वो सेम लॉजिक अप्लाई करना जैसे मैंने आपको फर्स्ट बताया था, फिंगर्स को हटाना नहीं है, फिट्स पे रहेगा। तो कैसा हो गया, नीचे टैब्स भी देख सकते हो, सेकंड स्ट्रिंग पे वन टू थ्री फोर, फर्स्ट स्ट्रिंग पे वन, सेकंड स्ट्रिंग पे टू थ्री फोर, तो यहीं से सेम बैक भी आएंगे, बैक आएंगे अभी फोर थ्री टू वन, देन सेकंड स्ट्रिंग पे फोर, फर्स्ट स्ट्रिंग पे थ्री टू वन, सेकंड स्ट्रिंग पे फोर थ्री, फर्स्ट स्ट्रिंग पे टू वन, सेकंड स्ट्रिंग पे फोर थ्री टू, फर्स्ट स्ट्रिंग पे वन, देन सेकंड स्ट्रिंग पे फोर थ्री टू वन। फिर से देखते स्लोली, बैक, तो आप इसको अभी दो स्ट्रिंग्स पे प्रैक्टिस करने के बाद थर्ड स्ट्रिंग पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो। थर्ड स्ट्रिंग से स्टार्ट करेंगे अभी, सेम फॉरवर्ड आएंगे वन टू थ्री फोर, अभी क्या करेंगे इंडेक्स को ले आएंगे सेकंड स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट पे, देन वापस थर्ड स्ट्रिंग पे टू थ्री फोर, सेकंड स्ट्रिंग पे वन टू, थर्ड स्ट्रिंग पे थ्री फोर, सेकंड पे वन टू थ्री, थर्ड पे फोर, देन सेकंड पे वन टू थ्री फोर, ठीक है, लाइक दिस। खत्म होने के बाद वापस हम लोग स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फिंगर से फर्स्ट स्ट्रिंग, वापस टू थ्री फोर सेकंड स्ट्रिंग पे, ठीक है। तो एक फ्लो में थर्ड स्ट्रिंग से ऐसा जाएगा, तो आपके ब्रेन पे काफी प्रेशर आएगा जो फिंगर्स को शिफ्ट करने में, और पूरा स्लोली प्रैक्टिस करना काफी अच्छा रहेगा, ये आपको डेवलप करेगा आपका
मसल मेमोरी, ठीक है। तो यहाँ से भी बैक भी आ जाता है, अभी जैसे हमने पहले किया था 1 और 2 पे बैक आए थे, अभी 1, 2, 3 पे बैक आएंगे, ठीक है। सेम टेक्निक सेम पैटर्न यूज करेंगे, तो आप इसको स्लोली प्रैक्टिस करो। मैं आपको गारंटी देता हूँ ये आपका लीडिंग टेक्निक 100% इंप्रूव करेगा। आप थोड़ा पेशेंटली इसको प्रैक्टिस करो, स्लोली प्रैक्टिस करो, आपका डेफिनेटली इंप्रूव करेगा। तो आप इसको कहीं पे भी प्ले कर सकते हो, ठीक है, आपके कंफर्ट के हिसाब से 6 स्ट्रिंग से प्ले कर सकते हो। और मैं रिकमेंड करूंगा तो बिगनर से पहले 1, 2, 3 पे करें, बाद में 4, 5, 6 पे इसको ट्राई करें, ठीक है। तो यही था इसका कंप्लीट लेसन आज का, काफी इंपॉर्टेंट है ये 5 एक्सरसाइजेस, आप जरूर इसको ट्राई कीजिए। कोई भी डिफिकल्टी हो, कोई भी डाउट हो, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, वरना इंस्टाग्राम में आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट लेसन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।